प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद है कि आज फिर उसने हमें एक मौका दिया है कि हम आपस में बैठकर बात कर सके। और प्रभु का धन्यवाद है कि वो वचनों के द्वारा और एक नए नए वचन के द्वारा परमेश्वर हमें अभिषेक करता है और वचन में ही सामर्थ्य है। मेरे अजीजों, आज मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ। पहली बात है कि परमेश्वर ने हमें 2018 का मेरी सबसे बड़ी तो यही है कि आज आप परमेश्वर के भवन गए होंगे। आज इतवार था, संडे था, रविवार था, और आपने इस बहुमूल्य समय को सही जमाना होगा और सभी लोग चर्च गए होंगे। हालेलुया, क्योंकि आज 2018 का अंतिम संडे है। और प्रभु धन्यवाद है, जाते जाते परमेश्वर ने हमें एक बार फिर एक मौका दिया कि हम उसके भवन में आ सके। और मेरे जीजो, दूसरी बात यह है कि अब कल का दिन बीच में है, परसों नया साल है नया साल सब बनाते हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं, नया साल की उम्मीद सबको है। तो आज में एक टॉपिक है कि हमको नया साल कैसे बनाना चाहिए। क्या है नया साल, आपसे मैं पूछता हूँ, आप नया साल कैसे बनाते हैं? क्या संसारिक तौर पे, जैसे कि पार्टी, मस्ती, मौज मस्ती, घूमना फिरना वगैरह वगैरह, या एक आत्मिक रूप से? तो आप पूछिए, आत्मिक रूप से और संसारिक में क्या फर्क है? इंजॉय करना है, कैसे भी कर सकते हैं। नहीं मेरे जीजू, ऐसी बात नहीं है। नए साल का मतलब यह है, अगर हम नया साल बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने हमें नया साल दिखाया है। तो पहला दर्जा हमें परमेश्वर को देना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, सारे चर्च, सारे गिरजाघर, सारे भवन परमेश्वर खुले रहते हैं नए साल पे, खुलते चर्च लगती है, इबादत लगती है। और जो नहीं जा पाता है चर्च किसी भी कारण, तो सबसे पहले सुबह उठे नए साल पे या रात के 12 बजे, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें नया साल दिखाया। मैं 1 तारीख का नया साल का विशेष वीडियो है ये, जरा इस मैसेज को आप सुनना और फिर बताना कि क्या है क्या नहीं। तो मेरा जी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हम नए साल में परमेश्वर के भवन में यीशु मसीह की उपस्थिति में हम जाए, ताकि पूरा साल, पूरा टाइम हमें एक महफूज मिले। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि हम परमेश्वर के लिए पहला नए साल को परमेश्वर के पास जाके उसकी इबादत में जाए, हम परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर से मिले, अपने परिवार को ले जाए। मेरे अजीजों, मैं आपकी पहले लाइफ में नहीं जा रहा, आप कहोगे कि हम तो शुरू से मस्ती करते हुए आए हैं और शुरू से हम अपने दोस्तों के साथ बनाते आए हैं, शुरू से हम न्यू ईयर पार्टी करते आए हैं। परमेश्वर वचन कहता है ना कि पहला दर्जा मुझे देना है, और पहली तारीख, पहला नया साल की पहली तारीख आज हम परमेश्वर को देंगे। तो आप जानते हैं कि आपके खतों पे, आपके काम धंधों पे, आपके परिवार पे परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। बेशक आप पहले कुछ भी थे, आप कुछ भी करते हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि जब हम परमेश्वर में हैं तो एक नई है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि अभी तक आप कैसे परमेश्वर को न्यू ईयर बना रहे थे? आपका तरीका क्या था? क्या आप अभी भी यही सोच रहे थे कि हम मंगल आएगा, यानी कि नेक्स्ट 1 जनवरी आएगी तो हम अपने दोस्तों को टाइम दे चुका है, या हम वहां जाएंगे, या मूवी देखेंगे, या नहीं? पहला आपको है, अगर आप कोई भी यीशु मसीह को जो परमेश्वर के भवन में जाता है, आपको ये काम करना है कि सबको उठाना है और परमेश्वर के भवन जाना है। पहला काम है, नए साल का पहला काम यही आपको करना है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा है कि आपको परमेश्वर के हमदोसना में चलना है। संसारिक बातें बहुत हो गई लाइफ में ना, और मेन है, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, मेन कारण परमेश्वर का है कि आप जो 2018 में आप करते आए हो, देखिए पहले आप परमेश्वर से हमें वादा वाचा बांधनी है ना। हमें परमेश्वर को एक, हमें भी तो नया साल का परमेश्वर को तोहफा देना है, हमें भी परमेश्वर के लिए नया कुछ करना है नए साल में। तो मेरे अजीजों, सबसे बड़ी बात है कि आप जब नए साल में आने वाले हो, तो आज मैं आपसे एक चीज बता रहा हूं, आपको नए साल में पहले बार तो सभी आशीष का जो आपको 2018 में मिली है ना, उन सभी आशीषों का, आपके जीवन का, आपके हर चीज का प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे 2018 साल पूरा दिखाया।
इसके लिए पहले तो धन्यवाद देना है और उन सभी आशीष के लिए धन्यवाद देना है जो परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है 2018 में दी है। और मेरे से तो हम एक काम और करेंगे, हम एक काम और करेंगे नए साल इस 18 को विदा करते करते समय और नए साल के स्वागत करते समय हम परमेश्वर से कुछ वादे बोलेंगे, कुछ परमेश्वर की प्रॉमिस हम करेंगे कि प्रभु मैंने 2018 में ये गलती करी थी या इस बुरी आदत से मैं था, नए साल में ये गलती मैं नहीं करूंगा, या प्रभु मैं इस हैबिट में हूं, मैं नए साल में ये चीज छोड़ दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ चीजें हम चेंज लाएंगे। देखिए न्यू ईयर बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर ऐसे खुश होंगे, है ना। हमें पुरानी बातों को छोड़नी है। जो भी आपसे आपका अगर क्रोध ज्यादा है या आप नशा ज्यादा करते हो 2018 में या कुछ भी अगर बुरी जो हैबिट है वो आपको छोड़नी है और जब नेक्स्ट ईयर में कदम रखोगे तो परमेश्वर से बात करेंगे, प्रभु मैं ये काम नहीं करूंगा जिससे कि आपको दुख, मेरे परिवार को दुख, मुझे दुख, मेरे शरीर को दुख। कुछ भी ऐसी बात है जो आपको टॉर्चर करती है या आपके परिवार को दुख पहुंचाती है या कोई भी, तो परमेश्वर ने हमें मन्नत मांग रही, परमेश्वर में वादा करना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तुम्हें 19 दिखा रहा है तो मैं तेरे लिए ये चीज छोड़ रहा हूँ। और दूसरी बात यह है, अगर कोई प्रचारक है या कोई प्रचार करने की स्थिति में है या परमेश्वर का वचन फैलाना चाहता है तो जो 2018 में हम प्रचार नहीं कर पाए, जो काम परमेश्वर के नहीं कर पाए हम चाहते हैं कि 19 में करें। हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर जो काम हमारे 2018 में नहीं हो पाए, मेरे से तो गारंटी में दे सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह 2019 के पहले ही वीक में कर देगा। आमीन। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर हमारा कार्य ना करे, उसका वचन कहता है। तो मैं यही आपसे विनती करूंगा। और बहुत सी ऐसी बात है जो जो आपके को जो दुख पहुंचाती है या आपने किसी को दुख दिया है तो आप जाकर उसके लिए क्षमा मांगे। जो भी आपसे गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांगे। अगर वो व्यक्ति आपके सामने है तो उसे माफी मांगे, मुश्किल है ना, लेकिन मांगना। कल का दिन आपके पास है, आप जरूर ये काम करना और परमेश्वर के लिए एक लिस्ट बनाना कि प्रभु मैं इनको माफ कर, और माफ करना और माफी मांगना। कोई आपसे अगर गलती हुई, आपसे हुई है तो आप माफी मांगे, और किसी की गलती किसी से आपसे हुई है तो उसको आप क्षमा करें, बिल्कुल क्षमा कर दे। आप ऐसा करोगे इस नए साल में परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ कर देगा। हालेलुया। तो आपको नया बनना है नए साल में। पहली बातें बीत चुकी, देखो नहीं होगी। मैं एक वचन के अकॉर्डिंग ही आपको ये बात समझाऊंगा ताकि आप इस वचन को भली भांति समझ सके और इसको आप आशीष के तौर पे कर सके। क्योंकि प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे पास है, वो आपके पास है। तो हम यही पढ़ेंगे आज। आज मैं खाली इसलिए आया हूँ कि नए साल लोग मैं चाह रहा हूँ कि हम परमेश्वर के मांगे और एक परमेश्वर से एक रिश्ता कायम करें, है ना, एक यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता कायम करें। और हमेशा मांगते रहते हैं, हमेशा हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं, वो देने के लिए है। कुछ हम दें परमेश्वर को, हम दें, हम क्या दें, हम अपनी पवित्रता दें, है ना, हम अपनी वादे के अनुसार दें, हम ईमानदार दें। परमेश्वर का वचन चाह रहा है हम चले, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीनन हमारा पूरा साल आशीषित जाएगा। आपसे जो अच्छे काम बनते हैं उसे आप दोहराएं, जो आपने 2018 में करे हो अच्छे काम उसको दोहराएं, ज्यादा करें। जो बुरे काम हो रहे हैं उसको छोड़ दें। किसका दिल दुखा तो उसे माफी मांगे, अगर वो सामने के प्रभु से माफी मांगे, किसी बुरा करा तो उसको प्रायश्चित करें। और एक नई चीज आप करें, ये है एक नए साल का तरीका मेरे जो। आप ऐसा करके देखो, परमेश्वर वाकई में आशीष के झुटके खोल देगा और आपके जीवन में सब कुछ नया कर देगा। एक वचन पढ़ेंगे हम, अब मेरे साथ निकाल लीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 5:17, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, आप सभी के लिए वचन है, गौर से सुनना, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो देखो सब बातें नई हो गई है। क्या लिखा है वचन में? सब बातें नई हो गई है, पुराना मनुष्य तब बीत चुका है,
आप भूल जाइए मैं पहले क्या था या मेरा परिचय कैसा था। अब आप यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हो, अब आप यीशु मसीह के संतान हो, अब आप यीशु मसीह के खादिम हो, अब आप यीशु मसीह के प्रचारक हो। आपको यीशु मसीह के अकॉर्डिंग चलना है ना। तो सबसे पहली बात है आपको बुराई बंद करना बंद कर रहा। अगर आप बुराई करते तो नए साल में कोई बुराई नहीं होगी किसी की भी। आपका लॉस हुआ है तो उसको माफ करें, परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। आप या आपने किसी को दुख दिया है तो उसे माफी मांगे। तो परमेश्वर से जब आप ये करोगे, यकीनन मैं मांग रहा हूं, यकीनन कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको भली भांति अद्भुत अद्भुत कार्य से करेगा। तो मेरे अजीजों सबसे बड़ी बात यही है, नए साल का तरीका से मौज मस्ती ना करें, क्योंकि हम एक परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर की सेना है। हमें परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। हमारा परमेश्वर, देखिए हम ये नहीं कहता हमारा परमेश्वर तुम साधु संत बन जाओ, इससे कोई मैटर नहीं है। हमारा परमेश्वर कहता है बेटा तो हमारे उस वचन के अकॉर्डिंग कर, है ना। हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर हमें नया साल में हम परमेश्वर को नई गिफ्ट दे, वाचा बांधे परमेश्वर से, मन्नत माने परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। कि प्रभु मैं ये काम करूंगा, अब प्रभु मैं आपको ये छोड़ दूंगा, प्रभु आपने मेरे जान दी है तो मैं भी आपके लिए कुछ तो करूं। इस 2018 में जो मेरे से गलतियां हुई उसकी मैं क्षमा मांगता हूं, जो मेरे दुश्मन है मैं उनको माफ करता हूं दिल से, तो परमेश्वर भी आपको माफ करेगा। आपसे जो बनता है वो करें, अच्छे काम करें परमेश्वर की नजर में। इबादत, अगर आप नहीं जा पा रहे चर्च तो चर्च जाइए, रेगुलर जाइए, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम करें मेरे चीजों। और पहला दर्जा परमेश्वर को दे। पहले अतिवार, पहली तारीख जनवरी परमेश्वर की है मेरे अजीजों। पहला जाइए और परमेश्वर आपके लिए झलोके खोल देगा। मैं एक वचन और पढ़ूंगा आपको, परमेश्वर की आशीष लेनी है। देखिए ये है उत्पत्ति 27 का 28, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति। उसमें देखिए परमेश्वर का एक वचन मैंने पढ़ा था और उस वचन को मैं आपको करूंगा। 27 का 28 क्या कहता है? परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और तेरी भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आशीष मैं बोल रहा हूं आपके लिए, ये परमेश्वर का वचन है। नए साल में आशीष आएगी, नए समय परमेश्वर आपको नए दरवाजे खोलेगा। मैं प्रार्थना भी करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। अपने अंदर से नफरत, हीन भावना, ढह कपट, बुराई, बुरी आदत सब छोड़नी है। कोई भी प्रवेश ना कर पाए 2018 में, ये करके देखो मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने आप अपने जीवन में कार्य करेगा। आपको माफ करना है, माफ करना सीखना है। परमेश्वर कहो कि प्रभु मुझे दया, मुझे हृदय दे कि मैं माफ कर सकूं लोगों को। और परमेश्वर यकीन मानिए, आप परमेश्वर को माफ कर, आप माफ करके परमेश्वर आपके गुनाह को यीशु मसीह के नाम में माफ कर देगा। वो तो वैसे ही माफ करता है। आपको बदलना है, जो गलतियां, जो बुरी आदत है, जो बुरी सोच आपकी आती है, या जो भी आता है, आपको दुख नहीं देखना, तकलीफ नहीं देखनी, आपको बदलना है परमेश्वर के लिए। आपको 2018 में जो गलतियां हुई है उसको नहीं दोहराना है। यकीन मानिए 2019 आपके लिए बहुत ब्लेसिंग वाला है, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर में एक वचन और पढ़ूंगा। परमेश्वर देखिए वचन बंद कर रहा था, एक वचन और है। मैं उस वचन को पढ़ने के बाद आप फिर आप क्या देखना कि आप परमेश्वर वाक्य में अद्भुत कार्य करेगा आपके जीवन में। व्यवस्था वरण पढ़ेंगे हम, आप भी पढ़ चुके हैं। व्यवस्था वरण पढ़ेंगे हम 28 का 28 अध्याय पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करके पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जाति में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य तू नगर में, धन्य तेरी खेत में, धन्य तेरी संतान, तेरी भूमि के उपज और गाय और भेड़ बकरी पशु के बच्चे, धन्य तेरी टोकरी, तेरी कटौती, धन्य तू भीतर आते समय, धन्य तू भीतर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे मार्ग से 7 मार्ग उससे भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यह वो आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर तुझे यह वो तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यह वो की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चले
तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा स्थिर करेगा, और पृथ्वी के देश देश के लोग सब ये देखकर कि तू यहोवा कहलाता है तुझसे डर जाएंगे, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उससे वह तेरी संतान की और तेरी भूमि की उपज और पशु की बढ़ती और तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत ही जाति को धार देगा। परंतु किसी से यह आशीर्वाद वचन है आपके नए साल के लिए, तुझसे उधार ना लेना पड़ेगा, और यहोवा तुझको पूज नहीं किंतु सर ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर की आज्ञा को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ तू उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन बात वचनों को मैं तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से दाएं या बाएं या मुड़कर प्राय देवताओं के पीछे ना हो ले ना उनकी सेवा करे। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। ये वचन है नए साल के, अगर आप परमेश्वर की उसमें चलोगे आज्ञाकारी बनोगे तो इतने बड़े आशीर्वाद आप और हमारे बीच में है। हमें क्या करना है, हमें नए साल में सबसे पहले चर्च जाना है, परमेश्वर के भवन जाना है, परमेश्वर के गिरजाघर जाना है, उसकी पहली इबादत करनी है, उसकी पहली उपस्थिति में बैठना है। परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा, ठंड नहीं देखनी, आलस नहीं देखना, मौज मस्ती नहीं देखनी मेरे से, तो सब कुछ छोड़ते हुए परमेश्वर के भवन जाइए। यकीन वो भी हमें सब कुछ छोड़ते हुए अपना सिंहासन छोड़ गया, हमारे लिए आ गया, जान दे दी हमारे लिए, मर गया, क्रूस पे गाड़ गया, कील ठोकी गई, अब वो जीवित है हमारे बीच में। तो हम ये नहीं कर सकते, हमें अपने आप से वादा करना है कि प्रभु नहीं, मुझे बदलना है, मुझे आपके लिए बदलना है। मैंने अपने परिवार को दुख दिया है, मैंने अपने प्रभु आपको दुख दिया है, इस आदत से, इस बुरी सोच से, इस बुरी शक्ति से, मैंने आप पर मुझे छुटकारा चाहिए। तो परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा देगा मेरे से। तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर अपने वादे से मुकर जाए, वो कल और आज मेरे को ईसा है, वो कल भी वादा करता था, वो आज भी वादा करता है मेरे से। तो इसीलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर के प्रेम में उसे खोजिए, उसे खोज में लगे तर रहो और बुलंद बन जाओ यीशु मसीह के नाम में। वो शीघ्र आने वाला है। हमारा नया साल कैसा होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए, क्योंकि हम संसारिक नहीं है, हम यीशु मसीह की सेना है, यीशु मसीह के लोग हैं। तो हमारा आत्मिक नया साल होना चाहिए, हम पहला दर्जा परमेश्वर को दे, घुटने टेक के प्रार्थना करें और परमेश्वर के लोगों में हम नया साल बनाएं। यकीन मानिए ऐसा करके देखिए, अभी तक आपने नहीं करा होगा, जो कर रहे हैं प्रभु धन्यवाद, और करके देखिए। परमेश्वर आपके झरोखे ना खोलते तो कह देना, क्योंकि वचन पढ़ता है, वचन कहता है कि वाकई में जो उसके आज्ञाकारी मानते हैं, जो उसके दास को बात मानते हैं, परमेश्वर ही उनका न्यायाधीश बनेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं इन सभी दर्शकों के लिए जो भी मुझे पिता परमेश्वर ऑनलाइन देख रहे, पिता परमेश्वर आज प्रभु जी इस साल का अंतिम इतवार था पिता जो बीत चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग तेरे भवन में गए होंगे, तेरे वचन सुना होगा, और जो नहीं जा पाए वो 1 तारीख को जरूर जाए, क्योंकि 1 तारीख प्रभु जी नया साल है पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये एक आम चीज नहीं पिता परमेश्वर, ये आप देखना चाहते हैं कि कौन मुझे पुकारता है कौन नहीं। इसलिए प्रभु जी हमने बीते साल बहुत मौज मस्ती कर ली, अपनी तरफ से नया साल बनाया, लेकिन आज प्रभु जब हम नई सृष्टि है तो क्यों ना हम आपके साथ आपके लोगों के साथ नया साल बनाए। इसलिए प्रभु जी आज इनको अभिषेक कर जो तेरे भवन में जाए नए साल में, पिता कोई शैतान कोई दुष्शक्ति इनको रोक ना पाए। प्रभु यीशु मसीह इनके साथ आशीष देना, जो मैंने आशीर्वाद वचन दिए हैं पिता वो पूरे इनके जीवन में करना, और प्रभु जी पिता जो भी मुझसे इस 2018 में गलतियां हुई है प्रभु जी उनको मुझे क्षमा करना, और जो प्रभु जी मैं उनको क्षमा करता हूँ पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी जिनके कारण मैंने चोट खाई है पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा कि क्षमा करोगे तुम्हारे पाप भी क्षमा किए जाएंगे। हाँ मैं प्रभु मैं हर उन व्यक्ति को क्षमा करता हूँ पिता परमेश्वर, और मैं माफी मांगता हूँ प्रभु जी हर एक व्यक्ति से जो प्रभु जी जाने जाने जो भी दुख हुआ है, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे मेरे घर हो, चाहे कोई भी छोटा से बड़ा कोई क्यों ना हो, प्रभु जी मुझे क्षमा कर। मैं 18 में जो भी गलती हो, जो भी मेरे अंदर अगर जो भी कमियां है, मैं वादा करता हूँ पिता आपसे विनती करता हूँ कि वो 2018 में हो और बस 19 तक मैं ना जा पाए प्रभु जी। तो आज ही यीशु मसीह नाम से उसे सारी बुरी आदतों को दूर कर दे भाई में सब में पिता परमेश्वर, ये 2018 साल इनके लिए आशीष का जाता हुआ जाए प्रभु जी पिता, और प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से पिता, और इसी साल में पिता की बीमारी दुख तक चिंता परेशानी को दूर करे पिता, क्योंकि जब हम पहला दर्जा आपको देंगे तो आप अभिषेक के द्वारा खोल देंगे, आशीष के द्वारा खोल देंगे। प्रभु जी इनके 2018 में आशीष दे पिता परमेश्वर, एक दिन बीच में आप असंभव को संभव कर सकते हैं, और यही कहे कि वाक्य में हमने पहला दर्जा आपको दिया तो आपने भी आशीष के द्वार खोल दिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना सुने कबूल करें, आमीन आमीन। प्रभु धन्यवाद हो कि उसने मुझे ये सब्जेक्ट दिया, ये टॉपिक दिया नए साल का, और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर इस वचन को आप शेयर करें और ज्यादा लोग देखें, क्योंकि मेरे अजीजो हम एक नई प्रजा है परमेश्वर की, है ना, नई जिंदगी में जी रहे हैं। क्यों हम बैकग्राउंड की लाइफ सोचे, क्यों हम
की लाइफ सोचे, हमें तो परमेश्वर के लोग है, परमेश्वर के लोग के साथ में ऐसा होना चाहिए। और परमेश्वर भी देखता है कि लोग मुझसे मांगते रहते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। सुलेमान कहता है कि तू तो भवन में नहीं आ सकता, क्योंकि तू तो स्वर्ग का राजा है, तू हमारे इस भवन में रहता है, मेरे से इस मिट्टी के भवन में उसकी सामर्थ्य है। लेकिन वो क्या कहता है, मेरे पवित्र मंदिर तुम हो, हम पवित्र बने, जो गलतियां हुई हमसे 2018 में वो ना दोहराए। यकीन मानिए, एक बार ऐसी प्रार्थना करके देखिए कि प्रभु हमें क्षमा कर, हम तेरी नई प्रजा है, हम तेरी भेड़ है, हमें तो रखवाली कर मेरे प्रभु। आप ऐसा करके देखिए, घुटने टेकिए। आपने बहुत मांग लिया अपने परिजनों के लिए, बहुत मांग लिया ना अपने कर्जे के लिए, परेशानियों के लिए, लोन चुकाने के लिए, सब कुछ के लिए। लेकिन आज एक विनती करें परमेश्वर से, मांगे कि प्रभु मुझे तो क्षमा कर, और मैं उनको क्षमा करता हूँ। यकीन मानिए, आपके दुख, आपके कर्जा न्यू चले जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मेरे अजीजों, क्षमा प्रार्थना यही हमारा हथियार है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि हे प्रभु पिता क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज हम अपनी छोटी सी बात दिल में रख के बैठ जाते हैं, चाहे बेशक वचन पढ़ते हैं, हो सकता है ये आदत मेरे में हो। आज मैं भी आपके साथ मेरे साथ मिलकर हम वादा कर रहे हैं कि प्रभु हमें बदल, जब हम बदल जाएंगे ना, सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। मेरे जीसस, चंगाई मत ढूंढो, आशीष मत ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो तो सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया, चंगाई दाता को ढूंढ लो। मेरे जीसस, कहाँ है वो चंगा दाता? वो हमारे दिलों में है, परमेश्वर स्वर्ग में है, लेकिन उसके बाद वो हमारे दिलों में है। वो कहता है तू प्रेम कर, मेरे जीसस प्रेम करना सीखो, माफ करो सबको, परमेश्वर आपको माफ करेगा। मेरे दोस्तों, यही हमारा नेचर होना चाहिए। गाली के बदले गाली नहीं, क्रोध के बदले क्रोध नहीं, क्षमा करो। नए साल में नया करो कुछ, बहुत हो गया पहले जैसा ना। नए साल में नया करो। नया क्या करो, पार्टी करो? नहीं, बदलो अपने आप को। लिखो कागज पे कि मेरे अंदर ये बुरी आदतें, बस ये 2018 कलम तोड़ दो भाई, कि 2018 से ही रहेगी आदत। प्रभु ये अब 19 में नहीं जाएंगे, 19 में मैं तेरा बेटा बन के जाऊंगा। हम 19 में कदम परमेश्वर का बेटा बन के रखेंगे, वो बेटा जो एक आज्ञाकारी बेटा होता है। बेटे सभी होते हैं ना, लेकिन बाप किससे कुछ होता है, जो आज्ञाकारी होता है उसका नाम रोशन करता है। हमारे कारण 2019 2018 में जो परमेश्वर की बदनामी हुई है वो कभी ना होने पाए, हमारे कारण परमेश्वर को चोट ना पहुंचे। ऐसा काम करे नए साल में, वादे करे परमेश्वर से, और नए साल में ऐसा काम करे कि वाक्य में लोग देखे कि वाक्य में यीशु मसीह के मानने वाले हैं। ये वो मसीह लोग हैं जिसने यीशु मसीह ने खुद चुना है। हम चुने हुए लोग हैं मेरे अजीजों, हम प्रजा है, हम उस महान रहीमों कई बादशाह की संतान है। हम कैसे, जब एक संसारिक माँ बाप के गुण बच्चों में आते हैं तो क्या कहते हैं, ये अपने पापा पे गया है, तो तुम्हारा संसारिक, वो तो स्वर्ग के पिता है पवित्र, उसके गुण भी तो कुछ हमारे अंदर आना चाहिए। जो ने हमें सिखाया है, सिखाने के लिए बाइबल दे रखी है, पाक कला में पहली भी कहा था बाइबल सबके घर में होना चाहिए, एक एक बाइबल सबके पास होती है, पर्सनल बाइबल सबके पास होनी चाहिए। जब हम मोबाइल सबके पास रख सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात याद आई, अब नए साल में बाइबल भी लेना, सबके पास अपनी पर्सनल बाइबल होना चाहिए। मेरे अजीजों, बहुत आशीष मिलती है इसकी, क्योंकि आप उसमें टिक मार कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वचन में बने रहिए। परमेश्वर बहुत आशीष देने वाला है 2019 में, लेकिन हमें बदलना है। कोशिश करें, मुहिम करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, हमें बदलना है। लिखे कागज पे गलती अपनी, बीमारी तो लिखते ही हैं हम, बीमारी बहुत भगा ली ना, अब कुछ नया करें। यकीन मानिए, परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष देने वाला है आपको। मैं यकीन मान कह सकता हूँ, अगर आप ये प्रार्थना करोगे प्रभु मुझे बदल दे, तो परमेश्वर आपके परिस्थितियों को बदलने वाला है, तुरंत काम करता है। इसलिए नया साल मुबारक हो, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। फिर मिलेंगे इस नए, और इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर और मुझे वरदान दे, और मुझे सामर्थ्य भरे, और यीशु चंगाई सभा में आप आ सकते हैं सह परिवार, संडे को दिल्ली में चर्च लगता है, ये परमेश्वर का बना हुआ थोड़ा सा चर्च है। ये पहले हमारा मिनिस्ट्री का नाम था चंगाई सभा, मुझे दर्शन हुआ कि उसमें लिखा था यीशु लिख, मैंने यीशु लिखा, अब वो यीशु चंगाई सभा बन गया है। इस भवन में आइए और आशीष पाइए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। यकीन मानिए, परमेश्वर जो कहता है सच कहता है, झूठ नहीं बोलता है।
परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे। हमारी प्रार्थना, हमारा पूरा कर्तव्य आपके साथ है, और मैं जानता हूँ हर दुख हर परेशानी का समाधान परमेश्वर है। आप दुख मत देखे, वो जो जीवन में चलते हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे आ जाता है। 2019 आपका आशीष भरा साल है, ग्रहण करें, रिसीव करें और बोले आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपके साथ है, जय मसीह की। और फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ। इस 1 तारीख को अगर आप आना चाहते हैं इस भवन में, दूरी कोई मायने रखती है, मैं पहले भी कहा था दूरी, यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आ गए, दूरी कोई मायने रखती है, आज भी हमारे बीच में है। अगर आप आना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। यीशु चंगाई सभा दिल्ली में लगता है, फोन नंबर दे रखा है, फोन करें, एड्रेस ले और आप आ सकते हैं। एक दिन अभी बीच में है, आप चाहे दूरी रहते हो तो कल कल रवाना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, अटेंड करके देखिए यीशु चंगाई सभा को। परमेश्वर बीमार को भी ला सकते हैं, आप सबको ला सकते हैं, परमेश्वर बहुत बड़े काम करेगा 1 तारीख को। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की, और एक बार फिर एडवांस में नया साल मुबारक हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन।